नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको हिंदी विषय के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताऊंगा, जो आपकी वार्षिक परीक्षा एमपी बोर्ड 2024 के लिए बनाए गए हैं। और यहां पर आपको ये जो प्रश्न बताए जा रहे हैं, बहुत ही बेस्ट प्रश्न मैंने छांट कर आप लोगों के लिए बताए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। और यदि आपको आपकी वार्षिक परीक्षा संबंधित नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा, मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन पर। 22 जनवरी तक हमने बेस्ट ऑफर लगा रखा है, 90% ऑफ आपको उस पर दिया जा रहा है। तो आप जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि बार बार वार्षिक परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। भाव के जो कारण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यहां पर आपको चार ऑप्शन दिए हैं, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव या फिर स्थायी भाव। तो जो आपका करेक्ट उत्तर होता है उसमें आपको याद रखना है, भाव के जो कारण होते हैं उन्हें विभाव कहा जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न आ चुका है आपका, निम्न में से किस रस को रसराज कहा जाता है? और ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसका करेक्ट उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, रसों का राजा कहा जाता है श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, पहला तो है आपका संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। संयोग और वियोग श्रृंगार कहा जाता है। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न देखिएगा, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो यहां पर आपका वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह, और रोद रस का क्रोध होता है और श्रृंगार रस का रति होता है, लेकिन यहां वीर रस का पूछा है तो आप उत्साह बताएंगे। अब देखिएगा आपका अगला प्रश्न है, जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति स्थायी भाव जागृत होता है उसे कहते हैं? तो यहां पर उसे हम आलंबन कहते हैं, ये आपको याद रखना है, आलंबन कहते हैं। और आलंबन किसका भेद है? तो ये विभाव का भेद है, विभाव का भेद होता है प्यारे मित्रों। इसके बाद में मन के चंचल विकारों को कहते हैं, तो मन के जो चंचल विकार होते हैं, चंचल विकार होते हैं, ये आते जाते रहते हैं, इन्हें संचारी भाव कहा जाता है। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर 4th करेक्ट उत्तर करेंगे। इसके बाद में देखिएगा, हास्य रस का संचारी भाव क्या है? तो हास्य रस जो होता है उसका हर्ष या हास या फिर एक प्रकार से हंसी, ये संचारी भाव इसका होता है और यही स्थायी भाव भी होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिएगा, विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से किसकी निष्पत्ति होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर चार चीजें आपको बताई गई है, विभाव अनुभाव और संचारी भाव, इससे किसकी निष्पत्ति होती है? तो आपको बताना है रस की निष्पत्ति होती है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। इसके बाद में मधुकर का अर्थ क्या है? ये आपका बेस्ट प्रश्न आ चुका है। मधुकर का अर्थ होता है भौंरा, और ये आप लोगों को याद रखना है। सूरदास वाला जो चैप्टर आपको दिया है जिसमें कि उद्धव प्रसंग आया है, वहाँ से लिया गया है। सूरदास जो हैं इसके कवि हैं, मधुकर का अर्थ भौंरा होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, गोपियाँ श्री कृष्ण को किसके समान मानती हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। तो गोपियाँ भगवान कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान मानती है, ये इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। इसके बाद में देखिएगा आप सभी, यहाँ पर
गोपियां उद्धव से योग रूपी व्याधि को किसे देने के लिए कहती है? तो योग रूपी व्याधि को कहती है कि जिन व्यक्तियों का मन अस्थिर है ऐसे व्यक्ति को आप दीजिए ये ज्ञान, ऐसा गोपियों ने उद्धव जी से कहा था। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक, इस तरह से आपका अगला प्रश्न स्टार्ट है। अब सूरदास जो हैं सूरसागर के रचनाकार हैं, तो यहाँ प्रश्न बना है सूरसागर के रचनाकार का नाम क्या है, तो यहाँ सूरदास जी आप लिखेंगे और इन्होंने सूर सागर, सूर सारावली, सूर सारावली और सारावली के बाद में आपको याद रखना है इनकी एक और जो रचना है वो है साहित्य लहरी। मैं तीनों रचनाएं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। साहित्य लहरी ये रचनाएं सूरदास जी की है, ये आपको उत्तर में सूरदास याद रखना है। भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सूरदास के गुरु का नाम क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले भी बताया था वल्लभाचार्य जी सूरदास के गुरु थे। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य जी थे और ये कहाँ रहते थे तो आपको याद रखना है ये गौ घाट पर रहते थे, गौ घाट पर रहते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो आपको बताना है ये है सूरदास जी की रचना। साहित्य लहरी की जब भी बात की जाएगी तो आपको सूरदास बताना है, क्योंकि प्यारे सूरदास ने इनकी रचना की थी साहित्य लहरी की। ठीक है, आपको हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन पर आप लोगों को सारी नोट्स उपलब्ध हमने करा दी है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको नोट्स परचेस कर लेना है ओनली 49 रुपीज़। ये 22 तारीख तक है जब राम मंदिर का उद्घाटन है, उस दिन तक आपका ये सारा कोर्स 49 रुपये में कर दिया है। नहीं तो आप लोगों का ये कोर्स जो है 999 रुपये का था, मतलब 1000 रुपये का कोर्स था, ये भी आपको ध्यान दे लेना है। अब अगला प्रश्न देखिएगा, बीजक किसका प्रतिनिधि ग्रंथ है? तो ये बीजक जो है ये आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन पहले देख लो, केशवदास, सूरदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निरालय, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको उत्तर बताना है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो बीजक है वो कबीरदास का प्रतिनिधि ग्रंथ है। किसका है? कबीरदास जी का है और यहाँ ऑप्शन में हमें कबीरदास नहीं दिए हैं, तो ऑप्शन में लिखेंगे इनमें से कोई नहीं। अगर पूछे बीजक किसका प्रतिनिधि ग्रंथ है तो कबीरदास आप उत्तर में याद रखेंगे। ठीक, इसके बाद में भ्रमर गीत कहाँ से उद्धृत है? भ्रमर गीत, ये भ्रमर गीत है जिसमें उद्धव प्रसंग आया हुआ है, तो ये आप लोगों का सूर सागर से लिया गया है। कहाँ से लिया है तो आपको सूर सागर बताना है, सूर सागर से लिया गया है। इसके रचनाकार महाकवि सूरदास जी हैं और सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट भी माने जाते हैं और कृष्ण भक्त भी माने जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप कंप्लीट करेंगे। अब ये जो 15 प्रश्न हैं, ऐसे 15 प्रश्न का आप लोगों को अगर PDF चाहिए पूरा PDF, तो हमारी एप्लीकेशन पर हमने पूरा PDF अपलोड कर रखा है। वहाँ पर जाकर जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे मेंस एजुकेशन ऐप, आप लोगों को सारे नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। हमारा जो ऐप है आप लोगों को प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और आप गूगल क्रोम पर जाकर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, सभी जगह पर उपलब्ध है। और हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी हमने इसको दे रखा है, तो अबाउट सेक्शन में भी जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम भी अबाउट सेक्शन में हमने लिंक दे रखी है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दोनों की मिल जाएगी, एप्लीकेशन की और टेलीग्राम की। तो वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन करिए, आपका सारा बेस्ट कोर्स मटेरियल हमारे समस्त जो चैनल है वहाँ मिल जाएगा और ऐप पर भी मिल जाएगा।